जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के अंदर करेक्शन कैसे करना है, क्योंकि गाइस यहां पर चाहे आपको कितने भी और डबल ऑप्शन दिए थे आपकी डिटेल को वेरीफाई करने के, फिर भी जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर अब आपके पास अंतिम मौका है आपके जो आपने फॉर्म को भरा है उसके अंदर जो मिस्टेक की है उसको सुधारने का। तो यहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा स्टेप स्टेप की कौन कौन सी जानकारी आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है। मैं आपको यह भी कहूंगा कि चाहे आपको लगता है कि मैंने अपना फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, पर एक बार फिर आप भी अपनी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के ऊपर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जानकारी बिल्कुल सही भरते हैं और उसके बाद में जब आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू करते हैं तो ऐसे में बहुत सारी जानकारी गलत हो जाती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस के अंदर सनी लियोनी का एडमिट कार्ड आया, वो क्यों आया? वो ऐसे ही आया जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाला फॉर्म भरने के बाद में, तब सभी जानकारी सही थी और उसके बाद में वहां पर जानकारी चेंज हुई। अब वो उनके जो साइबर कैफे है गोल्डी, उसने की या फिर ऑटोमेटिक हुई वेबसाइट के ऊपर, वो उसके बारे में अभी जांच चल रही है, बट ऐसा हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आपने चाहे फॉर्म को अच्छे से भर लिया हो पर फिर भी एक बार आप जानकारी को चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपने अप्लाई किया था। यहीं पर आपको सेम वे में अप्लाई के नीचे ऑलरेडी एंड हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन आप यहां पर जो आपका राशन नंबर है वो और जो आपका पासवर्ड है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं किसी भी रीजन से तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपका राशन नंबर, आपकी डीओबी जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, एंड उसके बाद में ये कैप्चा कोड डाल करके आप इसमें साइन इन करेंगे या फिर जैसे यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिर आप यहां पर आपकी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉग इन हो जाइए। अब लॉग इन होने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से दिखा रहा हूं, क्योंकि गाइज मैंने इसमें फॉर्म तो भरा बट मैंने उसको फाइनल सबमिट नहीं किया था, इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से दिखा रहा हूं कि आपको कैसे कहां पर क्या जानकारी एडिट करने के ऑप्शन मिलेंगे। तो गाइज जैसे ही आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद में आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर है इंस्ट्रक्शंस, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसके बाद में है व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन, आपको यहां पर इसका ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इस टैब को आपको क्लिक करना होगा, एंड देन आपने यहां पर देखने को मिलेगा कि जो आपने फॉर्म भरा था आपका राशन नंबर, फिर आपका पेमेंट का स्टेटस, साथ ही पेमेंट एंड जो आपका वेरीफाई पेमेंट वो भी आप कर सकते हैं, एंड साथ ही आप देखेंगे मॉडिफाई। अगर आप यहां पर पहले ही जान चुके हैं कि आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उसको मॉडिफाई करेंगे। एंड गाइस अगर आप ये चेक करने के लिए आए हैं कि मेरा फॉर्म सही से यहां पर जानकारी यहां पर दी भी गई है फॉर्म में या फिर नहीं, तो आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से वेबसाइट के ऊपर अपने फॉर्म को व्यू कर लेंगे, एंड अगर आपको लगे कि हां कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप मॉडिफाई के ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस आप यहां पर आपकी जो जानकारी है उसको मॉडिफाई करेंगे, एंड जैसे ही आप यहां पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करते तो आपको जानने को मिलेगा कि यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टिल 10 days after the last date of application submission by paying modification fee of ₹250 for each occasion। यानी कि यहाँ पर आप जो आपकी जानकारी मॉडिफाई कर सकते हैं वो नाम को छोड़ करके, आपके फादर नेम को छोड़ करके, मदर नेम को छोड़ करके, जेंडर को छोड़ करके, DOB को छोड़ करके और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल है उसको छोड़ करके, इन सभी जानकारी को जो कि यहाँ पर मैंसन की गई है छोड़ करके, बाकी जो अन्य जानकारी बचती है चाहे वो कोई सी भी जानकारी हो, चाहे आपका फोटो हो, चाहे फिर आपका एड्रेस हो या फिर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल हो, वो सभी आप यहां पर मॉडिफाई करेक्शन कर सकते हैं। एंड गाइस ये आप अगले 10 दिन तक कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी लास्ट डेट है वो 19 फरवरी को खत्म हो गई, तो 19 से आप 10 दिन काउंट कर लीजिए, तब तक आप अपनी जानकारी को मॉडिफाई कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे, एंड उसके लिए आपको यहां पर ₹250 आपकी फीस देनी होगी करेक्शन करने का चार्ज। एंड जब आपको लगे कि हम इसके लिए सहमत हूं फिर आप आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपके सामने यहां पर आपकी
पर्सनल डिटेल आएगी जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी जानकारी अगर चेंज करनी है जो कि एडिटेबल है, चेंज करने के लायक है, जो कि यहाँ पर दी गई है, वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका मेंटल स्टेटस हुआ, आपका रिलीजन हुआ, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम ये हुआ, इसके अलावा परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो कि आपकी बोर्ड के ऊपर होता है, सेकेंड मार्क, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो आपकी कम्युनिटी डिटेल है, इनके कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी है, वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर गाइज आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपका कोई मिस्टेक हो गया था सर्टिफिकेट नंबर में, या फिर इश्यूंग अथॉरिटी के अंदर, या फिर इश्यूंग स्टेट के अंदर, या फिर डेट ऑफ इश्यू के अंदर, तो वो आप यहाँ पर अभी आराम से चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं बना था, तो आपका अगर वो बन गया है, तो वो अब आप यहाँ पर नया वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए एंड यहाँ पर आप उसके बाद में सबमिट कर दीजिएगा। ये जो आपका नया सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, पूरे एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहे। फिर जो आपने यहाँ पर ये आंसर किए थे इन सभी क्वेश्चन के, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आर यू एन बी सी सर्टिफिकेट होल्डर, या फिर इंडियन रेलवे एम्प्लॉई, या फिर आप करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ है आपका, तो इनमें भी आप मॉडिफिकेशन करेक्शन कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। जो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, तो ये सभी जानकारी भी एडिटेबल है, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं। फिर आएगी आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो अगर आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन के अंदर कोई गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, तो वो भी आप यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सभी जानकारी देख सकते हैं, एडिट के ऑप्शन एक्टिव है, आप सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी जानकारी आपको एडिट करनी है एंड देन उसको एडिट कर लेंगे। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर दीजिएगा एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फोटो आएगा, आप यहाँ पर सैंपल फोटो देख सकते हैं कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट है। ये जो लास्ट में फोटो है, यही फोटो आपका इस तरह का एक्सेप्ट होगा और सेम वे में आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। एंड यहाँ पर जो फोटो का साइज है, इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अभी आपके पास ही अंतिम मौका है, क्योंकि आप 250 रुपये चार्ज भी दे रहे हैं, तो ऐसे में आप दोबारा से गलती मत कीजिएगा। जो पिक्सल आपको बोले हैं, साइज जो बोला है, और आपका जो साइन है, वो आपको ब्लैक बॉल पैंट पेन के द्वारा बोला है। आपको यहाँ पर कहा है कि दी एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक पेन। तो आपको सेम वे में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपका साइन यहाँ पर करना है और वो आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर जो आपका जोन है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका जो CBT2 है वो आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, किस स्टेट में रखना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बकायदा बेसिकली आपको यहाँ पर सभी जानकारी वेरीफाई और मॉडिफाई करने के ऑप्शन दिए हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही मैंने कर ली है, अब मुझे कोई चेंजेस में आगे नहीं करना है, तो आप यहाँ पर जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको गाइज OTP वेरीफाई करने के बाद ये पे नाउ के ऊपर क्लिक करके जो आपका करेक्शन का चार्ज है वो पे कर देना है एंड देन फिर आपका ये फॉर्म फाइनल यहाँ पर अगेन सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। एंड गाइज अगर आप नहीं कर पा रहे मॉडिफिकेशन, वो आपको मेरे द्वारा मॉडिफिकेशन कराना है किसी भी जानकारी में, तो आप उसके लिए कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करेंगे वो आप जान लीजिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, जो आपका मैसेज है इस वाले सेक्शन में आपको आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो देनी है, जिसमें कि आपका राशन नंबर होता है एंड जो आपका पासवर्ड है वो होता है। तो आप यहाँ पर आपका राशन नंबर, आपका पासवर्ड और साथ ही आप लिखेंगे RRB ALP फॉर्म 2024 मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन, ये आपको लिखना है। यानी कि आपको लॉगिन डिटेल जिसमें कि राशन नंबर और पासवर्ड, साथ ही आपको यहाँ पर लिखना है RRB ALP फॉर्म फिलअप मॉडिफिकेशन, यानी कि आपको RRB ALP यहाँ पर लिखना है, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि ये जानकारी किसकी है और मुझे इसका क्या करना है। एंड देन आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मेरे से इतना को हो पाएगा वो फॉर्म में करेक्शन करके दे दी जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।